हेलो डिंग गाइस, कैसे हैं आप? कैसे आप सब लोग? कैसे आपके जज्बात खेलात और हालात? उम्मीद करता हूँ तो हम फैंटास्टिक सुपर कूल होंगे और होने भी चाहिए जनाब, क्योंकि वाचिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन प्राइस एक्शन ऑन इंटायर यूट्यूब। मेरे दोस्त, आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन एडवांस लेवल की समझने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग मास्टरिंग करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, कि कौन सी सपोर्ट जो है आपके काम की है, कौन सी सपोर्ट जो है आपके काम की नहीं है, कौन सी रेजिस्टेंस आपके काम की है, कौन सा रेजिस्टेंस बकवास है, उस सारी चीज़ें आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में जाकर के देखने वाले हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले देखिए, आपको आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आप यूज करेंगे तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे यूज में आने वाला है और कहाँ पे यूज में नहीं आने वाला है। मतलब कौन सी रेजिस्टेंस जो है कहां पे आप ड्रॉ करेंगे तो आपके फायदेमंद होगा और कहां पे आप ड्रॉ करेंगे कि वो जो है आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रेंड में ही ये यूज करने वाले हैं। इसको जो हम लोग अप्लाई ट्रेंड में ही करने वाले हैं, क्योंकि जब भी आपको पैसे बनेंगे तो ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनेगा। तो आपको जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में, राइट। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड। भाई ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं बेसिकली आपको तो ये पता ही होना चाहिए। तो आपको पता है कि मार्केट में जो है ना ट्रेंड बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है साइडवेज, दूसरा होता है अप ट्रेंड, तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। ये जो है ऊपर नीचे आगे पीछे भी हो सकता है। कोई लोग पहले अप ट्रेंड बोलेंगे, डाउन ट्रेंड बोलेंगे, साइडवेज बोलेंगे। तो कहने का मतलब आपके मतलब आप ये जो समझ लेना कि आप जो है ना मार्केट में ट्रेंड तीन प्रकार के ही होते हैं। एक होता है साइडवेज, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। इस तरीके से तीन ट्रेंड होता है। तो हम लोग बिल्कुल एकदम पहले ना क्या करेंगे, हम लोग पहले साइडवेज को देखेंगे, उसके बाद अप ट्रेंड को देखेंगे, उसके बाद डाउन ट्रेंड को देखेंगे, ठीक है। और आपको जो है साइडवेज, देखो साइडवेज मार्केट ना काफी खतरनाक मार्केट होता है। सबसे ज्यादा टाइम ना मार्केट साइडवेज में ही होता है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में पैसे बनते नहीं है, पैसे चले जाते हैं, पैसे मार्केट में लूट जाते हैं, पैसे आप गवा देते हैं। तो आपको जो है साइडवेज से दूर रहना है। तो आप पकड़ेंगे कैसे कि मार्केट जो है साइडवेज बना रहा है? तो देखिए अभी हम लोग समझेंगे कि मार्केट कब साइडवेज बना रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे वाला सपोर्ट लाइन है, ठीक है। और मार्केट हमेशा जब ऐसे एरिया में कंसोलिडेट करता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाता है, मतलब ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन जब एक रेंज में मार्केट करता है तो हम लोग बोलते हैं साइडवेज में है। तो ऐसे जोन से हम लोगों को क्या करना, दूर रहना भाई, ठीक है। ऐसे जोन में हम लोग को काम ही नहीं करना है, क्योंकि ऐसे जोन में आपको जो है ना लंबा लंबा मूव कैप्चर नहीं होगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा मूव होता है और ऐसे मूव ना ऐसे मूव में आपको ज्यादा जो है फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसे मूव से हम लोगों को क्या करना, दूर रहना है। ऐसे मूव में हम लोगों को जाना ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि भाई कब साइडवेज मार्केट बन रहा है, ठीक है। अब कब साइडवेज खत्म होगा, ये चीज तो हमको आपको पता होना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि साइडवेज मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। देखो यहां पे मैंने दो लाइन ड्रॉ किया है, एक ऊपर जो है रेड कलर में और नीचे ग्रीन कलर में है, ठीक है ना। ऊपर जो है रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे सपोर्ट लाइन है, ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक है। ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे सपोर्ट लाइन है, ठीक है। अब देखो ध्यान दोगे ना तो ऊपर जो है मार्केट बार बार जा रहा है, उसके बाद जो है वहां से क्या हुआ कि सेलर वहां पे बैठा हुआ, ऊपर जो है एक बादशाह बैठा हुआ, ऊपर जो है दबंग बैठा हुआ, ऊपर जो है समझो कि एक बाहुबली बैठा हुआ। जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वहां पे एक सेलर जो है सेल करके फिर नीचे ला दे रहा। तो भाई ऐसे मार्केट में ना ऐसे जोन से आपको दूर रहना है। देखो ये लड़की जो है ऐसे कैसे भाग रही है, भाई वैसा ही जैसे अब साइडवेज आपको नजर आना, तो भाई आपको भाग जाना, वहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप अपने पैसे में आग नहीं लगाना, ठीक है। साइडवेज में पैसे बनते नहीं है, पैसे चले जाते हैं, ठीक है। तो साइडवेज से आपको हमेशा दूर रहना है, याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। साइडवेज मार्केट आपके टाइम को वेस्ट करता है, आपके पैसे को वेस्ट करता है, ठीक है। इससे बढ़िया है कि आप जो है जो टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो साइडवेज में, वो टाइम जो है ना आप एक अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढो, ठीक है। अच्छी से आप ट्रेंडिंग मार्केट देखो, ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको जो है ट्रेड करना है, याद रखना मेरे दोस्त। इसलिए सबसे पहले आप पकड़ो कि साइडवेज होता क्या है, साइडवेज से आपको भागना है, साइडवेज से दूर रहना है, ठीक है। साइडवेज में हमेशा क्या होता है कि एक मतलब एक ना मतलब समझो कि एक हॉरिजॉन्टल पाथ में मार्केट जो है एकदम कंसोलिडेट करते रहा। देखो नीचे से मार्केट उठा है, फिर यहां पे सेलर बैठा हुआ था, काफी तगड़ा सेलर बैठा हुआ था, इसके ऊपर नहीं जाने दिया, फिर नीचे आ गया, फिर यहां पे बायर बाई करना स्टार्ट किया, फिर ऊपर ले गया, फिर वहां से फिर नीचे आ गया। मतलब क्या हुआ कि एक रेंज में ही मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक हॉरिजॉन्टल पाथ में ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसे टाइम में ना आपको ट्रेड नहीं करना। देखो इस चार्ट को देखो ध्यान से, ठीक है। ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे से फिर क्या हुआ, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, मतलब धक्का मुक्की एक रेंज में कर रहा है, ठीक है। किसी भी स्क्रिप्ट को ओपन करके जब आप देखेंगे ना, तो आपको जो है ना आपको जो है चार्ट में ज्यादातर जो है टाइम ना आपको जो है मार्केट साइड फेज में ही होता है, क्योंकि हर एक वक्त मार्केट पैसा नहीं देता है, कुछ वक्त ही आपको मार्केट पैसा देता है। तो आपको वो वक्त वो अपॉर्चुनिटी को आपको ढूंढना पड़ेगा कि कब मार्केट ट्रेंडिंग है। जैसे इसको आप ध्यान दीजिए, इसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडिंग हुआ साइडवेज के बाद। क्या हुआ है कि मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग हुआ है, मतलब अप ट्रेंड बनाया है यहाँ पे, थोड़ा सा हायर हाई हायर लो बना करके मार्केट थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद देखना कि ये जो थोड़ा सा ट्रेंडिंग दिया, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज ही हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करना, ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ना है, ट्रेंडिंग मार्केट को ना देखना है, ठीक है। ट्रेंडिंग जैसे यहाँ पे देखो, ये जो है ना ट्रेंडिंग मार्केट है और यहीं पे आपको
पैसे बनेंगे, ठीक है। जब आप ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ोगे तो भाई कम टाइम में आपको ज्यादा पैसे बनेंगे, साइडवेज में घुसोगे आपके जो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट ही देखना है, ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको पैसे बनेंगे। अपनी आंखों को ट्रेंड करो कि कहां पे ट्रेंडिंग मार्केट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में ही माल बनते हैं, ठीक है। आपको साइडवेज में कभी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना है। मैं आपको ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है मार्केट साइडवेज में ही होता है। मैंने यहां पे आपको तीन ट्रेंड बताया है, ठीक है। पहला साइडवेज, इसलिए मैंने पहला साइडवेज बताया है कि जब आप पहली बार सुनोगे, पहली बार देखोगे, ठीक है, बार बार आप चार्ट में देखोगे, बार बार आप आंखों को ट्रेन करोगे तो आपके ना चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको साइडवेज में जाना ही नहीं है, साइडवेज से दूर रहना है, क्योंकि साइडवेज में पैसे बनते नहीं है, साइडवेज में आपका टाइम वेस्ट होता है। जब आप एंट्री लोगे तो बहुत लंबे टाइम तक आपको वेट करना पड़ता है, ऊपर नीचे करेगा और लास्ट में जाकर के आपका एसएल खा जाएगा। तो आपको हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट ही ढूंढना है, ट्रेंडिंग मार्केट में ही जाना है। साइडवेज में जाकर के अपनी माथा फोड़ नहीं करना है, अपना सर दर्द नहीं करना है, ठीक है, अपनी टाइम वेस्ट नहीं करना है, पैसे वेस्ट नहीं करना है। हमेशा आपको जो है ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढना है। मैं इसलिए बार बार इस सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है भाई, मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट साइडवेज में होता है। कोई भी स्क्रिप्ट ओपन करो, ज्यादातर टाइम जो है ना मार्केट साइडवेज में ही होता है। देखो थोड़ा सा यहां जो है मार्केट ट्रेंडिंग लिया था, उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक एरिया में कंसोलिडेट करने लगा। अब ऐसे जगह आप एंट्री लोगे तो पैसा बनेगा ही नहीं। देखो अपने मन मस्तिष्क में, अपने जो है एकदम जेहन में बैठा लो कि अगर मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो मुझे वैसे सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है। आप आराम करो, खेलो, मस्ती करो, एंजॉय करो, जिससे बातें करना है उससे बातें करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिससे भी हो यार बातें करो, एंजॉय करो, लेकिन ऐसे टाइम में ट्रेड मत करो, आपके पैसे टाइम वेस्ट दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको कैसे मार्केट में ट्रेड करना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, पहले मैंने यहां पे पाथ ड्रॉ किया है, पहले मैं आपको रोड मैप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से जो है मूव कर रहा है। यहां पे हायर हाई बनाया है, उसके बाद जो है इसके नीचे हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। कहने का मतलब यह है कि लो के ऊपर लो बना रहा है और हाई के ऊपर हाई बना रहा है। ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक है, अप ट्रेंड है, ठीक है, क्या अप ट्रेंड है। देखो यहां पे लो बनाया, ठीक है ना, यहां पे सपोर्ट लिया है और नेक्स्ट सपोर्ट जो है ना इस सपोर्ट के ऊपर लेगा। देखो यहां पे लो लिया है, ठीक है ना, यहां पे सपोर्ट बनाया और नेक्स्ट सपोर्ट इस सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। कहां पे? इस सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए, मतलब लो ओवर लो होना चाहिए और हाई ओवर हाई होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, देखो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि भाई अप ट्रेंड कहलाएगा कब, ठीक है, ध्यान देना मेरे दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट चीजें। देखो यहां पे लो बनाया, सपोर्ट बनाया, राइट, यहां पे जो सपोर्ट बनाया मेरे दोस्त पिछला सपोर्ट के ऊपर बनाया है, मतलब लो के ऊपर लो बन रहा है। और ध्यान देना मेरे दोस्त, जो हायर हाई बना रहा है ना वो भी कह रहा है कि हाई के ऊपर हाई बन रहा है और यहां पे लो के ऊपर लो बन रहा है, मतलब सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट बन रहा है। देखो यहां पे सपोर्ट बनाया था, अब नेक्स्ट सपोर्ट इसके ऊपर बना है, अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसके ऊपर बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे दोस्त, ठीक है, यहां पे लो के ऊपर लो बन रहा है और हाई के ऊपर हाई बन रहा है। अप ट्रेंड की पहचानी ये होता है मेरे दोस्त, इसका डेफिनेशन ये होता है कि अगर मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है तभी वो अप ट्रेंड कहलाएगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर मार्केट जो है हायर हाई और हायर लो बनाते जा रहा है तभी मार्केट वो अप ट्रेंड कहलाएगा। देखो मैं टर्म जो बोल रहा हूँ ना, पहला टर्म क्या है, हायर हाई हायर लो, मतलब हाई के ऊपर हाई बनना चाहिए और लो के ऊपर लो बनना चाहिए तभी वो मार्केट अप ट्रेंड कहलाएगा। देखो इस सपोर्ट के ऊपर ये सपोर्ट बना है, मतलब इस लो के ऊपर ये लो बना है, ठीक है, उसी तरीके से ऐसे अगर बनता रहे मेरे दोस्त तो क्या कहलाएगा, अप ट्रेंड कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी सपोर्ट की बात किया है, किसका बात किया है, सपोर्ट की बात की। अब देखो यहाँ पे अगर आप जो है रेजिस्टेंस को भी देखोगे ना, तो रेजिस्टेंस क्या, हर एक रेजिस्टेंस ऊपर यहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या हो रहा है, हर एक रेजिस्टेंस। देखो यहां पे पहला रेजिस्टेंस ये था, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस ये था, इसको मैं यहां पे मार्क भी कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके जेहन में, आपके जो है मन मस्तिष्क में एकदम प्रॉपरली एकदम बढ़िया से बैठ जाए, ताकि आप कभी भूल ना पाओ। उसके बाद जो इस हाई के ऊपर ये हाई बना है, क्या है, इस हाई के ऊपर ये हाई बना है। और देखो मेरे दोस्त, हर एक सपोर्ट जो है ना रेजिस्टेंस को तोड़ा है, हर एक सपोर्ट इसको भी तोड़ दिया, देखो इस हाई को ना तोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट हाई ये बना है, इसके इसको जो है ना ये हाई बना है, पीछे वाला हाई के ऊपर ये हाई बना है, ठीक है। आप ध्यान से देखना मेरे दोस्त, हर एक हाई ना, ठीक है, हर एक हाई यहाँ पे क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर बन रहा है, हर एक हाई एक दूसरे के ऊपर बन रहा है, मतलब हाई ओवर हाई बन रहा है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है, किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, यहाँ पे आप सपोर्ट के द्वारा तोड़ा जा रहा है, मतलब सपोर्ट जो है ना रेजिस्टेंस के ऊपर छलांग लगा करके निकल जा रहा है। देखो ये जो है ना, इसको इसके ऊपर ये बना है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये रेजिस्टेंस बना है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये रेजिस्टेंस बना है, ठीक है, मतलब हर एक के ऊपर हर एक बना, मतलब हर एक हाई के ऊपर हर एक हाई बना है, ध्यान देना मेरे दोस्त। उसी तरीके से जब आप लो के देखोगे ना, तो लो के ऊपर हर एक लो के ऊपर लो बना है, क्या हुआ है, हर एक लो के ऊपर लो बना है। देखो इस पहले वाला लो के ऊपर दूसरे वाला लो बना है और इस लो के ऊपर ये लो बना है, ठीक है, और इस लो के ऊपर ये लो बना है,
समझ में आ रही है ना? देखो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाई ओवर हाई बन रहा है और लो ओवर लो बन रहा है, ठीक है? दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अप ट्रेंड। अप ट्रेंड की पहली पहचान ही ये है, ठीक है? मतलब यही पहचान ही है कि अगर जो है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट अगर जा रहा है तो समझो कि वो अप ट्रेंड है। फिर से मैं आपको एक बार और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है? और यहाँ पे जो है सपोर्ट काफी पावरफुल है क्योंकि हर एक सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस को तोड़ा है। देखो इस तरीके से जो है हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर क्यों जा रहा था। अब एक क्वेश्चन और होता है कि भाई ये जो है ना ट्रेंड, तो मान लो कि अब ट्रेंड में, तो ट्रेंड बदलेगा कब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक है? अक्सर लोग पूछा करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि अगर अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेंड बदलेगा कब, अपनी वो ट्रेंड को चेंज कब करेगा, वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखो यहां पे क्या हुआ कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। कहां जा रहा था? ऊपर की ओर जा रहा था। अब ध्यान देना, ठीक है? अभी ट्रेंड कैसे बदला उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां से सपोर्ट लिया ना, यहां से सपोर्ट लिया, उसके बाद जो है नेक्स्ट सपोर्ट यहां पर लिया है, ठीक है? उसके बाद जो है नेक्स्ट सपोर्ट इसके ऊपर लिया है, ठीक है? उसके बाद जो है नेक्स्ट सपोर्ट इसके ऊपर लिया, मतलब लो के ऊपर लो, लो के ऊपर लो, लो के ऊपर लो बनाते जा रहा है। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक है? जैसे ही प्रीवियस लो अगर तोड़ दिया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है? प्रीवियस लो मतलब लास्ट वाला लो, जहां पे लास्ट वाला मतलब जहां पे रिसेंटली बना है ना, अगर उसको मार्केट तोड़ दे रहा है, आप ध्यान देना मेरे दोस्त, लास्ट वाला लो क्या है? ये है, ठीक है? यहां पे मैं चलो हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि जो है ना नेक्स्ट लो इसके काफी क्लोज है, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन काफी क्लोज है, इसलिए यहां पे जो है मैं बॉक्स ना लेकर के मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं। देखो अब यहां पे दो लो है ना, अब लास्ट वाला लो, लास्ट वाला लो को क्या हुआ, मार्केट ने तोड़ दिया है। क्या किया? मार्केट ने तोड़ दिया है, लास्ट वाला लो को मार्केट ने तोड़ दिया है और तोड़ करके नीचे आ गया है, ठीक है ना? नेक्स्ट जो लो बना रहा है ना भाई, मार्केट जो है उसके नीचे बना रहा है मेरे दोस्त, ठीक है? इसलिए यहां पे ये बोला जा सकता है कि यहां से मार्केट अपनी रुख को बदल सकता है, मार्केट अपनी दिशा को बदल सकता है। फिर से मैं आपको समझाता हूं क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट की ट्रेंड कब बदलेगा, मार्केट की दिशा कब बदलेगा, मार्केट कब अपनी रुख को बदल सकता है, तो उसको हम लोग समझने वाले। देखो यहां से मार्केट जो है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर क्यों जा रहा था। ध्यान देना यहां पे हर एक रेजिस्टेंस टूटा है मेरे दोस्त, हर एक रेजिस्टेंस टूटा है, इसलिए यहां पे सपोर्ट काफी पावरफुल है, सपोर्ट काफी तगड़ा है। देखो लास्ट में अभी देखो मार्केट क्या आ रहा है, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है? मार्केट रेजिस्टेंस हो जाए, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। ध्यान देना मार्केट अभी ऐसे जगह पे पहुंच गया है जहां पे पिछला लो था, देख रहे हो ना, ठीक है? यहां पे पिछला लो था ना, अभी मार्केट जो है एक्जैक्टली वैसे ही जगह पे पहुंच गया। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक है? अगर पिछला लो जो है ना, अगर प्रीवियस लो, अगर लास्ट वाला लो तोड़ा तो समझ जाना कि मार्केट जो है अपनी रुख अपनी दिशा को बदल सकता है। देखो तोड़ते हुए क्या हुआ भाई, मार्केट नीचे आ गया है। क्या हुआ? मार्केट नीचे आ गया, तो यहां से हम लोग ये सोच सकते हैं, ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट यहां से ना अपनी ट्रेंड बदल रहा है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की प्लानिंग कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आ गया। क्योंकि देखो ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक है? मैं यहां पे जोन को मार करके आपको मैं एकदम बढ़िया समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको एकदम बार बार, वीडियो को एक बार देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, जब तक क्लियर ना हो मेरे दोस्त तब तक देखना। और ये वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगता है, आपके लिए फायदेमंद लगता है मेरे दोस्त, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त। देखो यहां पे मैं आपको क्या कर रहा हूं, जहां जहां लो बनाया था ना, जहां जहां सपोर्ट बनाया था मेरे दोस्त, उस जोन को क्या कर रहा हूं, मार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट यहां पे काफी पावरफुल है, सपोर्ट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। किसको तोड़ा है? सपोर्ट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, क्योंकि सपोर्ट काफी पावरफुल है, हर एक रेजिस्टेंस यहां पे टूटा है। अब ध्यान देना मेरे दोस्त कि इस जोन को आप देखोगे ना, तो क्या हुआ कि भाई मार्केट ने इसको, इस लो को भी तोड़ा है आगे, ठीक है? लेकिन पहले हम लोग फिर से देखो, ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक है? ये जो है ना, यहां पे लो बनाया था, ये सपोर्ट बनाया था, ठीक है? ये सपोर्ट बनाया था इसके ऊपर, ठीक है ना? इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो सपोर्ट बनाया था ना, चलो इसको मैं राइट तक एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है? यहां जो है ना नेक्स्ट जो लो बनाया था, इसके ऊपर लो बनाया, मतलब सपोर्ट यहां पे बनाया, ठीक है? अब ध्यान देना, अभी जो है ये भी सपोर्ट नहीं टूटा है, ठीक है? ये भी सपोर्ट नहीं टूटा है, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे है, अगर इस सपोर्ट को देखोगे तो ये सपोर्ट जो है लास्ट में जाकर के मार्केट ने क्या कर दिया, तोड़ दिया है, ठीक है? देखो लेकिन ये जो है मेरा प्रीवियस लो नहीं है, अभी रिसेंट वाला लो नहीं है, ये वाला जो रिसेंट लो है, कौन है? अभी जिसको मैं मार कर रहा हूं ना, वो मेरा रिसेंट लो है, लास्ट वाला जो है ना लो यही बना है। अब देखो मार्केट क्या किया है, आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, तो ये वाला लो को मार्केट ने तोड़ दिया है। क्या किया है? लो को तोड़ दिया। चलो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके मैं आपको फिर से एरो से एकदम दिखा देता हूँ क्लियर क्लियर। देखो अभी तक यहां तक था, ठीक है? अब देखो लास्ट वाला लो ना मार्केट ने तोड़ दिया है, देखना ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ठीक है? जो लास्ट वाला लो है मार्केट ने तोड़ दिया है, उसके बाद जो फिर से रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की ओर रवाना हो गया। देखो ये लो था, ठीक है? ये सपोर्ट था, यहां से इसके ऊपर ये सपोर्ट बना, इसके ऊपर ये सपोर्ट बना, इसके ऊपर ये सपोर्ट बना, मतलब लो बना, ठीक है? इसके ऊपर ये यहां पे डिमांड बनाया, उसके बाद जो है ना इस डिमांड को क्या किया है, देखो यहां पे हायर हाई बनाया, उसके बाद जो यहां से इस रेजिस्टेंस से मार्केट गिरना स्टार्ट किया।
गिरना स्टार्ट किया, तो जो है ना पिछला वाला डिमांड को यानी पिछला वाला सपोर्ट को भाई तोड़ दिया है। देखो डिमांड और सपोर्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा फर्क होता है ठीक है। देखो जहां से मार्केट उठता है उसको ही सपोर्ट बोलते हैं और जहां से मार्केट उठता है उसको ही डिमांड बोलते हैं। लेकिन एक जो होता है ना, एक ऐसा डिमांड होता है जिसमें क्वालिटी होता है, जिसमें कुछ खास चीज़ें होता है, जिसमें मतलब एक बहुत ही राज छुपा होता है, वैसे डिमांड को मैं बताऊंगा कि वैसे सपोर्ट को मैं बताऊंगा कि कौन सी सपोर्ट पावरफुल होता है ठीक है। अब देखो मैं चार्ट में भी आपको इसको दिखा देता हूं, आपको तो मैंने पाथ में ड्रॉ करके दिखा दिया। अब देखो इस तरीके से मार्केट जो है हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा था, क्या कर रहा था, हायर हाई बनाते वो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट वाला प्रीवियस लो को देखना मेरे दोस्त ठीक है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां पे एरो से मैं इंडिकेट करता रहा हूं, ये वाला लो को अगर मार्केट तोड़ा ठीक है, अगर मार्केट तोड़ा चाहे एक स्विंग बना करके तोड़े चाहे दो स्विंग बना करके तोड़े फर्क नहीं पड़ता, बस तोड़ना चाहिए। अगर मार्केट ने तोड़ा तो समझो कि मार्केट अपने रुख को बदल सकता है, मार्केट अपनी दिशा को बदल सकता है, मार्केट यहां से ना अपनी डायरेक्शन को बदल सकता है मेरे दोस्त। देखो यहां से क्या हुआ कि भाई लास्ट वाला प्रीवियस लो इसको जो है ना इस जोन को मार्केट ने इस डिमांड को तोड़ दिया है, क्या किया है तोड़ दिया है। इसके बाद जो है क्या हुआ भाई, मार्केट अपनी रुख अपनी दिशा को बदल दिया है। देखो मैं फिर से अब जो है जोन मार्क करके आपको दिखा देता हूं ठीक है, जो यहां पे सिर्फ मैं जोन मार्क कर रहा हूं ठीक है, यहां पे जो जहां से मार्केट ने स्विंग लिया जहां से मार्केट ने उठाया मैं उसको जो है मार्क कर रहा हूं ठीक है। इसमें भी काफ़ी राज छुपा होता है ठीक है, कौन सी जोन जो है आपके लिए फायदेमंद है, कौन सी जोन आपके लिए फायदेमंद नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्पेशली इसके लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें एकदम बिल्कुल इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वही जोन आपके काम के होते हैं, वही जोन आपके लिए फायदेमंद होते हैं राइट। अब देखो लास्ट वाला यहाँ पे जो लो बनाया था ना, लास्ट वाला जो सपोर्ट बनाया था ना, उसी को मार्केट ने तोड़ दिया है। अब उसको तोड़ दिया उसके बाद क्या हुआ भाई, मार्केट ने नीचे आ गया, मार्केट ने अपनी रुख को बदल दिया, मार्केट ने अपनी दिशा को बदल दिया। देखो यहाँ से इसके ऊपर जो है ये लो के ऊपर ये लो बना था, इस लो के ऊपर लो बना, ये इस लो के ऊपर यहाँ पे लो बनाया ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, इस लो को तोड़ दिया है, क्या किया इस सपोर्ट को तोड़ दिया मेरे दोस्त ठीक है। अब आप जब ध्यान से देखोगे तो जो लास्ट वाला लो था ना, प्रीवियस लो था, उसके बाद मार्केट ने तोड़ा, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो मार्केट ने अपनी दिशा को बदला है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या होना है, मार्केट से बाहर हो जाना है। देखो हमेशा आपको क्या करना है, सेफ गेम खेलना है, हमेशा क्या करना है, सेफ जगह पे ट्रेड करना है, सेफ तरीके से ट्रेड करना है। देखो लोभ नाश से कारण, आपने तो सुना ही होगा ना, मतलब ज्यादा लोभ करोगे तो भाई आपको जो है नाश का कारण बन सकता है। देखो अक्सर ना नए नए लोग जो है यही करते हैं, नए लोगों को क्या लगता है कि भाई कि हमको ना सबसे टॉप पॉइंट को पकड़ना, सबसे जो है ना बॉटम पॉइंट से ही मार्केट को पकड़ लेना, भाई ऐसा नहीं होता है। आपको ना बीच बीच वाला को पकड़ना है, मतलब आपको ना देखो आप खरीदो मस्त माल खरीदो ठीक है, ये मत सोचो कि भाई जो है मैं जो है एकदम जहां से मार्केट उठ रहा है उसी पॉइंट को पकड़ लूं, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो पाता है भाई, ऐसा नहीं हो पाता है। तो आपको ये चीजें तो क्लियर हो गया ना कि कब जो है मार्केट बदलेगा, कब अपनी मार्केट जो है दिशा को बदलेगा। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी बता देता हूं, क्योंकि अप ट्रेंड में जो अप्लाई होता है वही डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होता है। देखो मार्केट जो यहां पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा था, ध्यान देना इस जोन को तोड़ दिया। लेकिन मैं चलो डिटेल में बता देता हूं, यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाकर के नीचे आया है ठीक है, यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाकर के नीचे आया है। अब यहां पे देखो कौन खतरनाक है, कौन पावरफुल है सबसे ज्यादा, यहाँ पे भाई ठीक है रेजिस्टेंस काफी खतरनाक है। रेजिस्टेंस ने क्या किया कि हर एक सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ा है, इसलिए इस पाथ को ना जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, इसको आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इसको समझ गया ना तो भाई आगे वाली चीज तो एकदम हलवा है, आपको इसको समझना है। देखो यहाँ पे हर एक सपोर्ट जो मैंने यहाँ पे मार्क किया ना बॉक्स से, देखो ये जो घूम रहा है ना उसको जो है तोड़ दिया है ठीक है, क्या किया है रेजिस्टेंस ने तोड़ दिया, मतलब यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस काफी पावरफुल है, काफी खतरनाक है, काफी दबंग है, एकदम जो समझो कि बाहुबली है, क्योंकि रेजिस्टेंस ने क्या किया सपोर्ट को तोड़ दिया। अब देखो यहां पे क्या हुआ भाई, मार्केट ने जो है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा था, और यहां पे हर एक बार जो है ना सपोर्ट टूटा है, क्या हुआ है हर एक बार सपोर्ट टूटा, लास्ट में जो है ना लास्ट में सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ध्यान देना मेरे दोस्त मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट में जो है सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, वहीं से मार्केट ने अपने रुख को अपनी दिशा को बदल दिया मेरे दोस्त, यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। तो अगर आपने इसको समझ गया ना तो भाई एक चीज का क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया होगा कि भाई मार्केट अपने रुख को कब बदलता है, मार्केट अपनी दिशा को कब बदलता है, मार्केट अपने ट्रेंड को कब बदलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट वाला देखो यहां पे लास्ट वाला मैं बात किसकी कर रहा हूं, लास्ट वाला बात कर रहा हूं, लास्ट वाला रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट के द्वारा तोड़ दिया गया है, इसलिए जो है मार्केट ने यहां से अपनी दिशा को बदल दिया है, अपने रुख को बदल दिया मेरे दोस्त ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चल के देखते हैं मार्केट में ठीक है ना। यहां पे मैंने चार्ट लिया है, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूं, थोड़ा सा इसको जो है मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आपको ना चीजें क्लियर नजर आ जाए। देखो यहां से क्या हुआ कि भाई मार्केट ना लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो,
लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे क्यों आ रहा था। देखो मार्केट यहाँ से ओरिजिन लिया था, यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ था। अब आप ध्यान से देखोगे ना इसको तो आपको एक चीज क्लियर होगा कि जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा था, देखो मैं आपको जो है ड्रॉ भी कर देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट जो है इस तरीके से जो है मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया था, और जैसे ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ था, जैसे ही यहाँ पे बॉटम पे पहुंचा, बॉटम मतलब जो है सबसे नीचे जैसे ही मार्केट पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ भाई कि ये वाला जो है हाई को मतलब ये वाला रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। ध्यान दे रहा है मेरे दोस्त, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाला जो सबसे जो लास्ट वाला सपोर्ट है ना वो पावरफुल था और रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अभी हम लोगों ने यही चीजें स्ट्रक्चर में समझा था, यही चीजें यहाँ पे भी हुआ, चार्ट में भी हुआ मेरे दोस्त, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से जो है मार्केट क्या हुआ था कि लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा था। अब नीचे आने के बाद क्या हुआ कि लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस था, क्या हुआ कि लास्ट वाला रेजिस्टेंस ना उतना पावरफुल नहीं था, उसको क्या किया मार्केट ने तोड़ दिया है। क्या किया मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। हमेशा रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट को तोड़ता था, लेकिन अभी जो है ना ये वाला रेजिस्टेंस क्या हुआ कि खूब टूट गया। तो यहां से मार्केट ने अपनी दिशा को बदल दिया, अपने रुख को बदल दिया, ठीक है। यही सिचुएशन होता है, यही सिनेरियो होता है जब अपनी मार्केट अपनी ट्रेंड को बदलता है, अपनी दिशा को बदलने की उम्मीदें होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है। 100% देखो मार्केट में कुछ नहीं होता, एक पॉसिबिलिटी के ऊपर काम करता है मेरे दोस्त, ठीक है। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, मार्केट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी, मतलब ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। बस आपको जो है प्रैक्टिस करना है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। देखो प्रैक्टिस जितना करोगे, जितने अपनी आंखों को ट्रेन करोगे ना, उतना ही आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, ठीक हो। मार्केट में देखो लॉजिक काम करता है, अगर आप लॉजिक के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो आप जीतोगे, अगर आप लॉजिक के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करोगे, अगर आप होप के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे, आप हार जाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। और आपको जो है ना, आपको जो है रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके आपको ट्रेडिंग करना है। हमेशा ऐसा नहीं भाई कि भाई आप जो है एकदम पैसे लगा दिए, आप एक ही दिन में पैसे डबल करने के पीछे पड़ गए, भाई छोटा छोटा प्रॉफिट निकालो और 100% जो है आप प्रॉफिटेबल बनोगे ट्रेडिंग से मेरे दोस्त, ठीक है। ये बेसिक चीजें मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है। क्या करना है, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है। तो आपको एटलीस्ट ये भी तो पता होना चाहिए कि ट्रेंड वो कब खत्म होने वाला है, कब ट्रेंड वो जो है अपनी जो है दिशा को बदलने वाला है, तभी तो आप सतर्क रहोगे ना। इसलिए मैंने ये चीजें बताया। बाय द वे अपने साइड से मैंने 100% देने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूं कि भाई आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको लगता है कि वीडियो फायदेमंद है, ये वीडियो में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में आया मेरे दोस्त, एक भी पॉइंट अगर आपके लिए फायदेमंद लगा, एक भी पॉइंट अगर आपको नया सीखने के लिए मिला था मेरे दोस्त, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो मेरे दोस्त।